हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है सिंड्रोम। सिंड्रोम में नेक्स्ट टॉपिक्स में जो हम लोग इसके पहले स्टडी किए थे, जिसे स्टडी करने से हमको डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को, तो ये नेक्स्ट के वीडियो को भी क्लियर हो जाएगा, जिसमें है पार्टू सिंड्रोम, जिसे हम पटाऊ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ओके, पटाऊ सिंड्रोम्स है, ठीक है। इसमें भी ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी क्रोमोसोम संख्या कितनी होती, 47 के रूप में प्रेजेंट होती है। इन सिंड्रोम्स की खोज, इसकी खोज किसने की थी, पटाऊ नामक साइंटिस्ट ने सन 1907 में इस खोज की थी। ये भी ऑटो यानी ये समजात गुणसूत्रों में पाए जाने वाले होते हैं, जो 13वीं जोड़ी के यानी 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता यानी ट्राइसोमी होती है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, 47 हो जाती है। ये भी एक अनुवांशिक रोग होता है जो प्रायः संतानों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रत्येक 10,000 में से किसी एक व्यक्ति में ये सामान्यता रोग उत्पन्न हो जाता है या ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे ग्रसित व्यक्तियों का जीवन काल प्रायः 1 से 3 माह तक होते हैं, यानी ऐसे बच्चे प्रायः 1 से 3 मंथ तक ही जीवित रहते हैं और उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस कारण हम क्या करते हैं, इस तरह के बच्चों में प्रायः जो मानसिक आयु होती है मंद बुद्धि के होते हैं, नाक प्रायः चोंच जैसी दिखाई देते हैं, हृदय रोग होते हैं, किडनी विकार होते हैं आदि रोगों से संक्रमित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंड्रोम आता है, जैसा कि ओके स्टूडेंट्स, आता है एडवर्ड्स सिंड्रोम। ये भी हमारा 47 होता है, ठीक है। इसकी खोज क्या की थी, एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 में की थी। इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम भी रख दिया गया था। ये भी एक ऑटोसोमी यानी समजात गुणसूत्र की 18वीं गुणसूत्र की ट्राइसोमी पर प्रेजेंट होता है, सोमी पर प्रेजेंट होता है, जिसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, और ये एक प्रायः क्या होते हैं, इस कारण इन्हें एकाधि सूत्रता भी कहते हैं। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट में जानते हैं इसके लक्षण उत्पन्न होने के क्या होते हैं। इस तरह के ग्रसित रोगियों में प्रायः मुख्य रूप से जबड़े छोटे होते हैं और नितंब भी छोटे होते हैं, गर्दन मोटी होती है तथा मुंह छोटा होता है, और इसके साथ साथ जो छोटा अंगूठा होता है, सिर विकृत, हृदय विकृत, किडनी विकृत आदि के विकलांगता की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के बच्चे 6 माह तक ही जिंदा रहते हैं, यानी 6 मंथ तक ही ये लिविंग रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं क्राइडोचेट सिंड्रोम्स क्या है, सबसे पूछे जाते हैं क्राइडोचेट सिंड्रोम्स, ठीक है। ये क्राइडोचेट सिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये इस प्रकार के सिंड्रोम की खोज लीजी यून ने 1900 इसका सन चेंज कर दिए है, 1963 में कर दिए है, 1963 में इसकी खोज की है। इन्होंने बताया कि ये इस प्रकार की ग्रसित बच्चे होते हैं जो प्रायः समजात गुणसूत्र की 5वीं भुजा की एक भुजा विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण उनके गुणसूत्रों की संख्या तो 46 ही होती है,
यानी क्रोमोसोम संख्या तो 46 ही होती है, बट क्रोमोसोम की संख्या 46 होने के बावजूद ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कान गोल होते हैं, आवाज इनकी कैसी होती है, दौड़ते समय ये बिल्ली की आवाज जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसे हम दैहिक कुल सूत्र में उपस्थित होने के यानी ऑटोसोम सूत्र में एक न्यूनता सूत्रता के आधार पर अध्ययन करते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, समजात गुणसूत्रों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के बारे में मैंने इस तरह का समझाया है, तो इसको समझ लीजिए। जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर सेंड करता हूँ।